नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन को लेकर। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन स्पेस मेक ए स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन टू बी यूज्ड ऑन टी शर्ट फॉर सेव ट्रीज कैंपेन। कलर अ डिज़ाइन यूजिंग मैक्सिमम 4 कलर्स। वर्ड सेव ट्रीज शुड नॉट बी यूज्ड विद इन ए कंपोजिशन। ठीक है, जैसा कि मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ कहना चाह रहा है कि आपके पास जो स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन बनाना है, एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन बनाना है किस चीज़ के लिए? टी शर्ट के लिए। और वो टी शर्ट कहाँ यूज़ होगी? सेव ट्री कैंपेन में, ठीक है। और कहा जा रहा है आपसे कलर का डिज़ाइन यूजिंग मैक्सिमम 4 कलर, 4 कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ड सेव ट्रीज शुड नॉट बी यूज्ड विद इन ए कंपोजिशन, और कंपोजिशन में सेव ट्रीज किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं करना है या नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो हमें क्या है, ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम ध्यान में रखेंगे कि स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन, तो सबसे पहले ये समझ लें हम कि स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन से मतलब क्या है, ठीक है। स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन से मतलब ये है कि ये जो इनके पास प्रिंटिंग सिस्टम जो भी होगा, तो वो आपके स्क्वायर में ही प्रिंट कर सकता होगा, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा कंपोजिशन बनाओ जो कि स्क्वायर फॉर्म में ही हो, ठीक है। अब ये स्क्वायर फॉर्म में होगा तो इसको इनलार्ज करोगे तो भी स्क्वायर रहेगा, रिड्यूस करोगे तो भी स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो स्क्वायर ग्राफिक में यदि आपने बनाया तो वो इजीली आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी कंपोजिशन दिखाई देगा वो स्क्वायर में ही दिखाई देगा। अब स्क्वायर में होने का ये मतलब नहीं है कि आप 4 लाइन खींच के पहले स्क्वायर बनाए, आप बगैर लाइन खींचे भी स्क्वायर हो सकता है कि आपने कुछ लीव्स टाइप की बनाई, ठीक है। तो ये स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर शेप कंप्लीट होता हो, बस स्क्वायर से बाहर नहीं जाता हो, ऐसा हमको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप ये लाइन्स आप यूज़ नहीं भी करते तो अभी ये स्क्वायर शेप में ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें आप भले कुछ भी बना दीजिए, जो भी आपको लगता है, जैसे सेव ट्री करता तो मैंने एक ट्री बना दिया, ठीक है। ये कहीं रखा हुआ है, ये शेल्टर है तो ये शो कर रहा है कि सेव कर रहा है, ठीक। इस टाइप से आप स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन बनाएंगे, ठीक। टी शर्ट के लिए तो ये भी याद रखना है कि टी शर्ट में यदि ये प्रिंट होगा तो ऐसे कलर्स हम इस्तेमाल करें जो कि देखने में अच्छे लगें और इजीली प्रिंट हो पाए, ठीक है। और ऐसे कलर जो कि यदि इस जो भी आप कंपोजिशन बनाए उसको रिड्यूस करके ही बनाए तो भी वो आइडेंटिफाई हो पाए, इनलार्ज करके बनाए तो वो देखने में बुरे ना लगे, ठीक है। और हमें क्या है ध्यान में रखना है, सेव ट्री नहीं लिखना, ठीक है। तो इस टाइप हमें स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन बनाना है। कलर की बात आई है तो कलर की कई लोगों ने पूछा कि कौन से कलर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि उसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ कि ड्राई पेस्टल कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ड्राई पेस्टल कलर आप यूज़ कर सकते हैं, या आप कलर पेंसिल जो आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कौन सी कलर पेंसिल? वाटर कलर पेंसिल जो आती हैं, लेकिन आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ वाटर कलर पेंसिल यूज़ करके आप कहना चाहिए कलर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ड्राई कलर हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो कलर ऐसा नहीं हो कि शीट को, आपकी दूसरी शीट को ख़राब करें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि पेंसिल कलर ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि देखेंगे किस टाइप से हम ये कंपोजिशन बना पाते हैं, ठीक है। तो ये हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे आपको पेपर मिलता है, मान लो ये इतना बड़ा पेपर है आपका, ठीक है, तो जो आपको ड्राइंग के लिए पेपर मिलता है वो वैसे के वैसे स्कैन होके जाता है, ठीक है। कई एग्ज़ामों में शायद स्कैन होके नहीं जाता ऑनलाइन, तो उसको ऐसे ही सेंड किया जाता है, क्या जो भी हो। लेकिन यदि आप यदि इसमें स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन बना रहे हैं तो कोशिश करें कि ये एरिया को भी, ये जो पेपर है इसको भी इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व कैसे करें कि ये ऐसा लगे कि यदि स्क्वायर भी बनाया तो कम से कम हम इस बात का ध्यान में रखें कि इसको सेंटर में बनाएं, ठीक है। तो ये अब यदि सेंटर में बनेगा इस पेज के, तो कोई भी देखेगा, कहीं से भी देखेगा तो उसको ये देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और यदि कई बार क्या होता है, आदमी क्या करता है कि पूरा पेज तो दिया हुआ है
लेकिन अब इतना पेज देने के बाद भी उन क्या करता है कि यहाँ पर छोटा सा बना दिया, ठीक है, कुछ लोग यहीं पर छोटा सा बना देंगे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस पेपर को इन्वॉल्व करें उसमें, ठीक है। तो ये पेपर का इन्वॉल्वमेंट कैसा कि आपने स्क्वायर में बीच में बना लिया, अब इसके अंदर आप पूरा आपका जो भी लोगो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। एक हम ट्राई करते हैं कि क्या कर सकते हैं, जैसे सेव ट्री है, सेव ट्री यानी ट्री को संरक्षित करना है, ठीक है। तो कई प्रकार से शो कर सकते हैं हम, चाहे तो हम दो हैंड बना सकते हैं, है ना, एक यहाँ पर ऐसा हैंड कुछ बना दूँ, ठीक, जो कि ये शो करे, ठीक, ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड कर रहेगा कि आप कैसा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि शायद हम ऐसा भी कुछ फॉर्म निकाल सकते हैं। आप काफ़ी सारे फॉर्म ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक ये ऊपर से हैंड हो गया, अब हम चाहें तो सेम यही पैटर्न में हम नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इससे कहीं बेहतर सोचते होंगे और आप बना पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जो भी बनाएं आप, तो ऐसा बनाएं कि जो उस जो स्पेस दिया आपका या स्क्वायर ग्राफिक आपने जो स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो बैलेंस लगे, कम से कम बैलेंस तो लगे, ठीक है, ठीक। तो ये प्रॉपर हैंड नहीं है, लेकिन ये एक हैंड का कहना चाहिए फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक ट्री बना सकते हैं, और ट्री भी हम कैसा बना रहे हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म में। ट्री भी हम कोई ऐसा पूरा ट्री नहीं बना रहे, सिम्बॉलिक फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, इस टाइप से आप कुछ भी बोलते। अब इसमें हमने बताया कि हम सेव ट्रीज नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आप चाहें तो सिर्फ ये फॉर्म जो है इसको ही डार्क कर लें, ठीक है, और बाकी को चाहें तो आप ये इरेज कर दें, ठीक है। लेकिन एक प्रकार का ये लोगो आपके सामने तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें आप कलर कर सकते हैं, ग्रीन कलर ट्री का जो कलर है वो ट्री में करेंगे, और जो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो जितना अच्छे से आप इसको रेंडर कर पाए उतना आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल मेरे पास ये कलर है, ग्रीन कलर का मेरे पास ये मार्कर है। आप चाहें तो वैसे स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार पोर्टल पर ज़रूर पढ़ लें आप। बाकी मैंने जो पढ़ा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि स्केच पेन का आप यूज़ नहीं कर सकते, बस वहाँ पर ये ज़रूर कहा गया है कि ड्राई कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राई कलर का मतलब जो निकाला जा रहा है वो पेंसिल से निकाला जा रहा है, लेकिन ये पेंसिल की जगह है। ये भी है कि उसमें ये भी दिया हुआ है कि ऐसा कलर जो कि सूख जाए जल्दी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पोर्टल पर ठीक से वो पढ़ें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से हम ग्रीन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसके जो ट्रंक है उसको हमें कायदे से ब्राउन करना चाहिए, तो ये दो कलर हो जाएंगे आपके, है ना। ये अपन इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं, सीधे सीधे ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और ट्री की यदि हम बात करें, ट्री का कैंपेन है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ट्री की बात कर रहे हैं, ये लोग ट्री के लिए ही कुछ करने वाले हैं, ठीक है।
तो इजीली आइडेंटिफाई पब्लिक कर लेगी, तो आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुल मिला के यही है कि आप जो भी बना रहे हैं, जिस कैंपेन के लिए बना रहे हैं, तो उस कैंपेन का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आपकी टी शर्ट देख के ही लोग समझ जाएँ कि ये शायद ट्री के संरक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप से हम ये दो कलर का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आप दो कलर और इस्तेमाल कर सकते हैं, चार कलर से आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास एक कलर ये रेड है, तो ये रेड का भी मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, लेकिन आप कलर अच्छे यूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि प्राइमरी कलर यूज़ कर लें, या दो प्राइमरी दो सेकेंडरी कलर यूज़ कर लें। ठीक है, तो एक पैटर्न लेकर भी चल सकते हैं आप। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ही हम फिल करें, हो सकता है कि हमारे उसमें कुछ आपने कुछ सोचा हो तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं आप आधा। मुझे लग रहा है कि बस इतना इतना कर दूँ, ज़्यादा मैं बुरा लगेगा। ठीक है, तीन कलर हो गए, एक कलर और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ब्लैक कलर की पेंसिल आपने इस्तेमाल करी उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कलर में तो आप कलर चार ही दिखा सकते हैं, ब्लैक को आप काउंट नहीं करें। ब्लैक को मतलब यदि आप ब्लैक नहीं कर रहे हैं तो पेंसिल कलर का काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, या जो वाइट स्पेस दिख रहा है उसे भी काउंट नहीं करेंगे। ये एक मेरे पास ब्लू है, ठीक है, अब जैसा इसमें किया सेम वैसे ही मैं इसमें भी कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये यहाँ तक ऐसा मैंने किया, देखने में थोड़ा पैटर्न में लगेगी चीज़ें, और कोई बात नहीं। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर कर गया, ये मार्कर से मैं कर रहा हूँ, आप पेंसिल से करें। स्केच पेन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या वाटर कलर पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप और भी कई अच्छे प्रकार अच्छे से बना सकते हैं। तो ये स्क्वायर ग्राफिक कंपोजिशन आपने टी शर्ट के लिए तैयार कर लिया। अब ये रिड्यूस होके प्रिंट हो या इनलार्ज होके प्रिंट हो, ये देखने में आपको अच्छा लगेगा और ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये कंपोजिशन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य था आपको ये समझा पाऊँ कि स्क्वायर ग्राफिक का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्क्वायर ग्राफिक का मीनिंग स्क्वायर शेप से है, कि स्क्वायर शेप में ही आपका कंपोजिशन होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप बनाकर देखें और समझें, और नहीं समझ आता है तो कमेंट करें, फिर हम देखते हैं और मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।